नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। एमपी में चुनावी तस्वीर साफ हो चुकी है, वहीं नतीजों के बाद से मंथन का दौर जारी है। बीजेपी हारी सीटों के परिणामों का आकलन कर रही है, तो वहीं कांग्रेस चिंतन कर रही है कि आखिर कमी कहां रह गई, जो कि फील गुड और पूरे आत्मविश्वास से चुनाव लड़ने के बाद नतीजों में कांग्रेस हाशिए पर चलेगी। आज चर्चा इसी मुद्दे को लेकर देख लेते हैं। उससे पहले एक रिपोर्ट। प्रदेश की सत्ता पर कब्जा करने का दावा ठोक रही देश की सबसे बुजुर्ग पार्टी कांग्रेस मध्य प्रदेश में खासा कमाल नहीं कर पाई। प्रदेश की जनता ने कांग्रेस के नारी सम्मान योजना, मुफ्त बिजली, कर्ज माफी जैसे मुद्दे पर भरोसा नहीं जताया, जिसके चलते जनता जनार्दन ने सत्ता की चाबी एक बार फिर बीजेपी सरकार को सौंप दी है। मध्य प्रदेश में मोदी, शाह और शिवराज का जादू ऐसा सिर चढ़ बोला कि कांग्रेस के कई दिग्गज पूर्व मंत्री तिनकों की तरह ढेर हो गए और विधानसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। चलिए हम आपको बताते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी के कौन कौन से दिग्गजों को शिकस्त का सामना करना पड़ा। मिला था उन्हें बधाई देने गया था। जब मैं मुख्यमंत्री बना था वो मुझे बधाई देने आए थे, तो आज मैंने उन्हें बधाई दी। मैंने उन्हें आश्वस्त किया कि हम विरोधी दल तो रहेंगे, पर प्रदेश के हित में जो भी हम कर सकते मदद करेंगे। आज प्रदेश की भयंकर समस्या है। प्रदेश के सामने बहुत बड़ी चुनौती बेरोजगारी की है। प्रदेश में बहुत बड़ी चुनौती हमारे कृषि क्षेत्र की है। कांग्रेस बीजेपी के ये दिग्गज चुनाव हारे। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह लाहर विधानसभा सीट से हारे चुनाव। दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह चाचौड़ा विधानसभा सीट से चुनाव हारे। प्रियव्रत सिंह खिलचीपुर सीट नहीं बचा पाए। कांग्रेस के तेज तर्रार पूर्व मंत्री जीतू पटवारी राऊ विधानसभा सीट से चुनाव हारे। पूर्व मंत्री हुकुम सिंह कराड़ा साजापुर विधानसभा सीट से हार गए। मुलताई विधानसभा सीट से लड़े सुखदेव पासी को भी हार मिली। भोपाल दक्षिण पश्चिम विधानसभा सीट से पीसी शर्मा भी हार गए। भितरबार विधानसभा सीट से लखन सिंह यादव को भी हार मिली। शिवपुरी विधानसभा सीट से लड़े केपी सिंह को भी हार मिली। सोनकच्छ विधानसभा सीट से लड़े सज्जन सिंह वर्मा को भी हार का सामना करना पड़ा। महेश्वर विधानसभा सीट से विजय लक्ष्मी साधो भी हार गए। जबलपुर पश्चिम विधानसभा सीट से तरुण भनोट भी नहीं बचा पाए अपना गढ़। दतिया से डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, हरदा से कमर पटेल, बमोरी से महेंद्र सिंह सिसोदिया, बड़वानी से प्रेम सिंह पटेल, अटेर से अरविंद सिंह भदौरिया, बदनावर से राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, बालाघाट से गौरीशंकर बिसेन, ग्वालियर ग्रामीण से भारत सिंह कुशवाहा, अमरपाटन से राम खिलावन पटेल, परसबाड़ा से राम किशोर नानोखावे, पोहरी से सुरेश धाकड़, खरगापुर से राहुल सिंह लोधी। मध्य प्रदेश में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा ने कहा कि एमपी की जनता जनार्दन जिन्होंने आशीर्वाद दिया है उन सबका आभार व्यक्त करता हूं। एमपी के सभी विधायकों को बधाई देता हूं। साथ ही कहा कि जिन्हें सफलता नहीं मिली उनको आशान्वित कर रहा हूं। बीजेपी के संगठन पर भरोसा रखें और आगे की तैयारी करें। जिन सीटों पर बीजेपी के दिग्गज नेता नहीं जीत सके उसको लेकर मंथन का दौर जारी है। उस लक्ष्य को प्राप्त करने में भारतीय जनता पार्टी अपनी भूमिका निभाने का काम देश के अंदर कर रही है, प्रदेश के अंदर हम कर रहे हैं, तो इसलिए जनता का बहुत हृदय से अभिनंदन। हम जनता की आकांक्षाएं अपेक्षाओं पर भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी सरकार है वो लगातार खरी उतरी है और हम सब मिलकर के मध्य प्रदेश के अंदर जनता ने जो आशीर्वाद दिया है तो जनता की उन आकांक्षाओं अपेक्षाओं पर भी। प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी को हथियार बनाकर चुनाव लड़ रही कांग्रेस जमीनी स्तर पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की सभी कई सभाओं के बावजूद प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को एक बार फिर से सत्ता के बनवास पर भेज दिया है। भले ही कांग्रेस हार के कारण के लिए चिंतन मनन और बैठक करने का दावा कर रही हो, लेकिन इस बात से अब इनकार नहीं किया जा सकता है कि कांग्रेस पूरा चुनाव गलतफहमी और फील गुड में लड़ा, जिसका नतीजा अब कांग्रेस को अगले 5 साल तक सताएगा। स्पेशल डेस्क स्वराज एक्सप्रेस। और इसी मुद्दे पर ज्यादा चर्चा करने के लिए मौजूद हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता सुरेंद्र शर्मा जी। सुरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता हैं योगेंद्र सिंह जादौन। योगेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार हैं दिनेश निगम जी। दिनेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से देखा जाए योगेश जी,
अब तो कल तो लगातार हम जब चर्चा कर रहे थे तो लगातार हम कह रहे थे कमी कहाँ रह गई, तो बोल रहे थे रुझान आ जाने, रुझान चल रहे हैं, अब नतीजे आ जाने, जी तो नतीजे चुके आ चुके हैं, अब सवाल खड़ा होता है कि कमी कहाँ रह गई। दिखावा किया, नब्ज नहीं पकड़ पाए, या फिर ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो गया। देखिए दीपक जी, मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने जो चुनाव लड़ा वो चुनाव गारंटी के आधार पर लड़ा, और कांग्रेस पार्टी ने जो चुनाव मध्य प्रदेश के अंदर लड़ा है वो एंटी कंबेंसी को भी अपना आधार मान रही थी। लेकिन मध्य प्रदेश पे जो चुनाव हुआ है उस चुनाव को जो मूल रूप से जो प्रभावित करने का काम किया है वो लाड़ी लक्ष्मी योजना ने किया है। ठीक है, लाड़ी लक्ष्मी योजना का जो फैक्टर है वो प्रत्येक विधानसभा में 40-50 हजार मिनिमम रहा है, और इतने सारे वोट बैंक अगर आपने परिणाम को देखे तो जिस प्रकार से आप पत्रकार जगत से हैं या मीडिया चैनल हैं या देश के तमाम राजनीतिक विश्लेषक हैं, सभी कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी लीड करेगी और परिवर्तन की लहर है, और कुछ यह भी कह रहे थे कि यहाँ पर कांटे की टक्कर है। लेकिन जब चुनाव का परिणाम आया तो आपने देखा है कि कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज चुनाव हारे हैं, वह तो ठीक है, एंटी कंबेंसी ऐसा लग रहा है जैसे कांग्रेस के विधायकों के खिलाफ थी, जबकि मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी के अलावा भारतीय जनता पार्टी जो सत्तासीन है लगातार इतने वर्षों से, निश्चित रूप से उसके खिलाफ एंटी कंबेंसी होना चाहिए थी। लेकिन इस प्रकार से जब कांग्रेस के जहां प्रत्याशी हारे हैं उनकी हार का अंतर 50 हजार, 60 हजार, 30 हजार, 35 हजार तक है, और जहां कांग्रेस का प्रत्याशी चुनाव जीता है उसका अंतर काफी कम और काफी कम मार्जिन पे है, तो ये निश्चित है कि लाडली लक्ष्मी योजना जो मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह जी के द्वारा अंतिम समय पर ये एन के एन प्रकरण करके ऋण लेकर मध्य प्रदेश सरकार पे लोन लेकर किसी भी तरीके से उसको जो जिस मकसद के माध्यम से उन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर शीर्ष में उतारने का, शीर्ष से फर्श में उतारने का जो काम किया है, निश्चित रूप से वह फैक्टर मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी को सत्ता से रोकने में पूरी तरह से सफल हुआ है। नहीं, वो फैक्टर चलो ठीक है, आपने भी किया था, बल्कि उनसे ज्यादा किया था, 1500 रुपए की बात की थी, एक सिर्फ एक यही आप एक लाडली लक्ष्मी योजना का ही आप जिक्र कर रहे हैं, बाकी कोई कमी नहीं, सिर्फ यही एक वोटिंग परसेंट ऐसा है जिसने पूरे इतनी प्रचंड जीत दिला दी, ऐसा तो नहीं हो सकता, कमियां और भी नहीं, रही। लाली लक्ष्मी, जब लाली लक्ष्मी की बात कर रहा हूँ तो जहाँ प्रचंड जीत का जो मार्जिन है वो इतना बड़ा मार्जिन है। हाँ, एंटी कंबेंसी किसी प्रति विपक्ष की पार्टी के विधायकों के प्रति तो कोई किसी भी एंगल से संभव ही नहीं है, लेकिन हाँ जहाँ संगठनात्मक रूप से कहा जाए या जो नारी सम्मान योजना जो हम मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के माध्यम से देने वाले थे, और एक लाली लक्ष्मी योजना जो ऑलरेडी जो है महिलाओं के पास पहुंच चुकी थी, उन दोनों के बीच में डिफरेंस वाला जो की जो परिस्थिति उससे निश्चित रूप से महिलाओं ने जो जो सहायता राशि मिल रही थी उसको ही महत्व दिया है। और उसके अलावा यदि कोई फैक्ट है, जो बहुत सारे फैक्ट है, चुनाव जैसे प्रारंभ हुआ तब से लगेगा प्रचार को लेकर, प्रसार को लेकर, कैंपेनिंग को लेकर, या बूथ मैनेजमेंट को लेकर, या संगठनात्मक प्रभाव को लेकर, उन तमाम चिंतों को ले आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में उसकी समीक्षा करेंगे। समीक्षा के साथ में मध्य प्रदेश में चूंकि कांग्रेस पार्टी को जनादेश नहीं मिला है, भारतीय जनता पार्टी को जनादेश मिला है, और शिवराज सिंह जी को फिर मौका मिला है, तो हम चाहेंगे कि वो इस प्रकार से पूरे प्रदेश के अंदर जिस तरीके से जनादेश दिया है उसका सम्मान करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए, भारतीय जनता पार्टी ने जो किसानों से वादा किया है कि वो जो है 2700 रुपए क्विंटल गेहूँ खरीदेगी, हम देखेंगे, हम और जनता और किसानों की तरफ से खड़े रहेंगे, और उनको 2700 रुपए जो वादे के माध्यम से जो मध्य प्रदेश में किया है उस वादे को पूरा करने के लिए विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करेंगे, और जो भी हार का कारण रहा है वो निश्चित रूप से हम चिंतन के माध्यम से अगले समय के लिए तैयार रहेंगे। बिल्कुल ठीक है, ओवरऑल जितने भी आपने जो बातें रखी हैं उसमें ईवीएम की कहीं पहली बार ऐसा हुआ है कि ईवीएम का जिक्र नहीं किया, अब सिर्फ कांग्रेस के पूरे के द्वारा नहीं किया गया या आपके द्वारा नहीं किया गया, आप इस चीज के लिए तो निश्चिंत है कि ईवीएम के कुछ इशू नहीं हुआ, ईवीएम ठीक ठाक था, बाकी हाँ कमी रही उन्हें दूर करा जाएगा। देखिए मैं पहले भी हमेशा इस बात को कहता रहा हूं कि यदि कोई हार या पराजय आपको मिलती है बिल्कुल और लोकतांत्रिक व्यवस्था में मिलती है और जनादेश के माध्यम से मिलती है तो उस हार को भी आपको सहर्ष स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि वो भी एक राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का अंग है, और केवल उसको हार को किसी माध्यम से किसी के ऊपर ढोल देना या किसी को इसका इसका शीर्षक बना लेना मैं उचित नहीं समझता। मैं तो ये समझता हूं कि यदि हम चुनाव हारे हैं तो हम चुनाव हारे हैं, और हारे हैं तो किन कारणों से हम चुनाव हारे हैं उन कारणों पर ज्यादा फोकस करने का हमको आवश्यक है, और केवल हम ये कह रहे हैं कि हम किसी ईवीएम के कारण ही चुनाव हारे हैं तो मैं उससे कोई कारण नहीं मानता। मैं तो ये मानता हूँ दीपक जी के मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस पार्टी चुनाव हारी है निश्चित रूप से उसमें लाडली बहना योजना ही एक मूल त्रुटि का इक्का साबित हुई है, और निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के अंदर
लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह जी जिस वादे के साथ में चुनाव के वोट को लेने के लिए आए हैं उसका क्रियान्वयन करेंगे, ऐसी हम अपेक्षा करेंगे विपक्ष से, और हम चाहेंगे कि सत्ता पक्ष उस क्रियान्वयन को पूरी तरीके से करे। ठीक है, 99 में से 27 विधायक और 12 मंत्री, एक केंद्रीय मंत्री और एक सांसद सुरेंद्र जी हारे हैं, ये भी एक बड़ा आंकड़ा हो जाता है एक तरीके से। हाँ, जीत प्रचंड है, बहुत बहुत बधाई आपको इस चीज के लिए, लेकिन इस पर भी मुंह मोड़ा नहीं जा सकता। निश्चित तौर पर जहां भी हमारी पराजय हुई है और उसमें पराजय कारण बहुत अलग अलग हैं, सारे प्रदेश में हम जीत रहे हैं पर कुछ जगह पर हम हार रहे हैं, तो वहां की स्थानीय परिस्थिति क्या है, यहाँ क्या है, वहां का क्या ऐसे कारण रहे, उसके बारे में हम चिंतन मंथन कर रहे हैं और उसमें भी जो कमी होगी उसको हम दूर करेंगे। और हमारी पार्टी तो बड़े मन से अपनी पराजय को स्वीकार कर उसको ठीक करने का हम प्रयास करते हैं। आज जो प्रचंड विजय मिली है 2018 में जब हमारी सरकार नहीं बनी उसके तुरंत बाद हमने हारुई विधानसभा को आकांक्षी विधानसभा मानकर उसमें एक एक कार्यकर्ता को प्रभारी बनाया, उसने वहां प्रवास किए, उसने वहां प्रयास किए, उसका परिणाम यह निकला उनमें से अधिकांश सीट हम जीत कर आए हैं। तो भाजपा तो अपनी गलतियों को खुले मन से स्वीकार करने का साहस करती, हिम्मत करती है। और मैं आपके चैनल पर योगेंद्र जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने हमारी एक योजना की तारीफ की, किस योजना का असर हुआ है, खुले मन से किस बात को स्वीकार तो कर रहे हैं, पर इनके प्रदेश के उपाध्यक्ष लक्ष्मण सिंह जी पता नहीं क्या क्या ट्वीट कर रहे हैं। तो जरा योगेंद्र जी उनको ही बता दीजिए कि ये भी एक कारण रहा। और निश्चित तौर पर कांग्रेस का भी जिस प्रकार का सिस्टम था, आप मैं एक बात और आपके चैनल में कहना चाहता हूं, इस चुनाव में निश्चित तौर पर मोदी जी का नेतृत्व जीता है, शिवराज जी का नेतृत्व जीता है, हमारा संगठन तंत्र जीता है, हमारी शासन की नीतियां जीती हैं। बात यह है कि गारंटी किसकी जनता ने मानी, इनकी लीडरशिप टेस्टेड एंड रिजेक्टेड थी, चाहे वो दिग्विजय सिंह जी हो चाहे कमलनाथ जी हो। आप 15 महीने सत्ता में झूठे वादे करके आए, जनता ने आपका काम देखा, वादे पूरे नहीं हुए, पता है इनकी गारंटी है कोई भरोसा नहीं है, और मोदी की गारंटी की भी गारंटी जनता ने माना है, इसको मानना चाहिए। दूसरा, ये पता नहीं स्वीकार कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे योगेंद्र जी, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश के 32 विधानसभा क्षेत्रों से निकली है, कितने जीते उस यात्रा का लाभ हमको तो हुआ है, इनको हुआ या नहीं हुआ हो, अधिकांश कांग्रेस साफ हो गई वहां, इनको विचार करना चाहिए। और ये चुनाव आप देखेंगे कांग्रेस की जो लीडरशिप हारी है ये संस्कार और अहंकार का चुनाव था, कांग्रेस के जो नेता विनम्र रहे कई जीते हैं उसमें से, लेकिन सज्जन सिंह वर्मा, मैं नाम लेकर बोल रहा हूं, जीतू पटवारी, पीसी शर्मा, इनका वे ऑफ टॉकिंग क्या था, लक्ष्मण सिंह, इनका अहंकार सातवां आसमान पर गूंज रहा था, केपी सिंह, गोविंद सिंह नेता प्रतिपक्ष, ये जनता को जनता नहीं समझते थे, अपने को जनता से ऊपर समझने लगे, भगवान समझने लगे थे, जो अपना भगवान समझ जनता को नहीं चला दी। सुरेंद्र जी, इसमें से कुछ नेता आपके भी थे और उन्हें भी हार मिली है, अब नाम मैं नहीं लूंगा, जो आप ले सकते हो तो ले लें। हमने कहा उसको आप समीक्षा करेंगे, हमसे कहां गलती हुई, हमारे कार्यकर्ता से कहां गलती हुई, लेकिन ये होता था। और एक बात और योगेंद्र जी, निश्चित तौर पर एक बार फिर आपकी तारीफ कर रहा हूं, जब से सुप्रिया सिरने जैसे प्रवक्ता कांग्रेस में आए हैं, कांग्रेस का पतन प्रारंभ हुआ है, संस्कार के साथ विनम्रता से बात करेंगे, तथ्यों के साथ बात करेंगे, जनता भी आपकी बात सुनेगी, चिल्ला कर बात करना, बदतमीजी करना, ये कांग्रेस के पतन का बड़ा कारण बना है, चाहे वो विधायक हो और या आने वाले समय संसद में। ठीक है, यहाँ तो चलो ठीक है, लाडली बहना कमाल करके, बाकी जो दो जगह ऐसी कौन सी गुट्टी या कौन सी जादू की छड़ी आपने चलाई जो कि वहां पर भी आपने कमाल कर दिया जहां उम्मीद भी नहीं थी, तो इसे सिर्फ लाडली बहना से जोड़कर मध्य प्रदेश में सब देख सकते हैं, चलो ठीक है लाडली बहना को नाम दे दिया, बाकी राज्यों में भी आपने बिल्कुल इसी तरह कुछ घुमाया, तो ये क्या कारण क्या रहा, कहां इतने अनएक्सपेक्टेड चीजें लेकर आए आप, जो आप सुनना चाहते मैं बोल देता हूं। जी जी सुन, ईवीएम। अच्छा, नहीं मैं ये सुनना नहीं चाहता था, लेकिन आप ये खुद बोल रहे हैं, उसको उसको डिटेल बोल रहा हूं, लेकिन एवरी विक्ट्री गोज टू मोदी। अच्छा ठीक है, यह ईवीएम का दूसरा है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के आधार पर प्रदेश की तीनों प्रदेशों की जनता ने, इवन तेलंगाना में भी हम 1-10 पर हुए, हमारा वोट शेयर बढ़ा, दूसरे भारत में कह रहा भाजपा साल में 365 दिन सक्रिय रहने वाला संगठन है, हम एक एक बात पर विचार करते हैं। आप देखेंगे अमित शाह जी ने हमको पन्ना प्रमुख का एक सिस्टम दिया कि आप हर बूथ पर पन्ना प्रमुख बनाइए, एक बूथ पर लगभग 150 के आसपास पन्ना प्रमुख रहते हैं, वो पन्ना प्रमुख जाके घर घर संपर्क करता है, मध्य प्रदेश में 38 लाख पन्ना प्रमुख है, जीत का बहुत बड़ा आधार है, 9% वोट शेयर हमारा ज्यादा है, हमने 50% वोट शेयर के लिए हमने प्रयास किया था, 49 तक हम पहुंचे, तो नीचे का हमारा जो संगठन का तंत्र है उस संगठन तंत्र के आधार पर मोदी जी का नेतृत्व, नड्डा जी का संगठन तंत्र, अमित शाह जी की रणनीति, ये तीनों के आधार पर हम तीनों प्रदेश हम कमाल किया है। बिल्कुल सर, जिस तरह से देखा जाए दिनेश सर, आज से अगर ठीक हम 5 साल पहले जाएं तो जो आज 3 राज्यों में बीजेपी है उन्हीं 3 राज्यों में बंपर जीत के साथ कांग्रेस थी, एक बहुत बड़ा मौका था कांग्रेस के पास, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था, तो क्या कहा जाए कि वो उसको संभाल कर रख नहीं पाए, ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए और आज वही दिन देखने पड़ गए जिसकी उन्हें बिल्कुल अपेक्षा थी नहीं, बल्कि यही समय चक्र अगर घुमा दिया जाए तो यही हालात 5 समय पहले इनके पक्ष में पूरे थे। देखिए क्या है, अभी आपने जो बात कही ओवर कॉन्फिडेंस की,
इसमें कोई दो राय नहीं कि जो छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस के मुखिया थे या कांग्रेस की सरकार के जो प्रमुख थे उनको ओवर कॉन्फिडेंस, तो इसमें कोई दो राय नहीं था ही। उनके मंत्रिमंडल के कई सदस्यों को इतना ओवर कॉन्फिडेंस था कि हम दोबारा रिपीट करेंगे, तो उन्होंने वही गलती करी है जो 2018 में भारतीय जनता पार्टी ने करी थी मध्य प्रदेश में, है ना, 2018 में। तो कुछ ओवर कॉन्फिडेंस, कुछ एलिगेशन ऐसे उनके ऊपर प्रूफ टाइप रहे, मतलब जो भी रहे उनके आसपास के लोगों की जिस तरह से ईडी ने गिरफ्तारियां करी, इसका भी भारतीय जनता पार्टी ने भरपूर लाभ उठाया और ग्रामीण अंचल तक इन बातों को पहुंचाया कि इस तरह से जो है 5 साल में ये हुए हैं, ऐसी ऐसी इस गवर्नमेंट ने ऐसा किया है। तो छत्तीसगढ़ में जो रिजल्ट आए तो वो तो इसी के कारण। मध्य प्रदेश में अपन ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में लाडली बहना तो खैर ठीक है ही है, उसका महत्व तो है ही है। कुछ कांग्रेस की जो आपसी खींचातानी जो इनमें शुरू से रही, आज से नहीं है ये कांग्रेस में आप देखिए इतिहास उठा के 10-25-50 साल का देख लीजिए, कांग्रेस में गुटबाजी हमेशा उभर के सामने रही है और कभी सड़कों में देखने को मिलती है। और हम और आप लोग तो अपन मीडिया वाले हैं तो अपने को तो रोज ही मैंने हर आम बात वैसे मिलती थी देखने को। तो जिस तरह से मुझे ऐसा लगता है कि इस बार कमलनाथ को जो एक एजेंडा बना लिया कांग्रेस ने या कांग्रेस के कुछ नेताओं ने कि नहीं कांग्रेस कमलनाथ मुख्यमंत्री, उनके नेतृत्व मुख्यमंत्री बनेंगे और ये होगा वो, तो हो सकता है कि उसी दावे के एक और भी बड़े नेता उनको इस बात का फील हुआ हो। क्योंकि पिछले बार आप अगर देखिए 2018 में इस जिस तरह से अभी 2023 में कमलनाथ जी का नाम लिया जा रहा है ना दीपक जी, उसी तरह 2018 में पहले उनका नाम लिया जाता था। नाम इसलिए नहीं, सीएम के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, तो मतलब पूरा दारोमदार उन्होंने रचा, पूरी रणनीति उनके हाथ में रहती थी, पूरा उन्होंने खाका उन्होंने बनाया था, पूरा नक्शा मध्य प्रदेश का कहां कैसे क्या करना है, उस बीच में उनके नर्मदा यात्रा भी आप जोड़ लो, है ना। तो आप भी मान के चलिए कि ये जो गुटबाजी है कांग्रेस में उससे इनके कार्यकर्ताओं में बड़ी हताशा होती है, हमने देखा कई बार देखा। दूसरी बात क्या है कि कांग्रेस में एक और कमजोरी है, उसको हमारे कांग्रेसी भाई अदर नहीं लेंगे, मैं किसी दल का नहीं हूं, पत्रकार के हैसियत से बता रहा हूं कि उनके यहाँ कार्यकर्ताओं की बड़ी कमी है। उनके यहाँ नेता तो आपको बहुत मिल जाएंगे, कार्यकर्ताओं की बड़ी कमी है। तो ये जो चुनाव है ये पूरा दारोमदार कार्यकर्ताओं के ऊपर होता है। बिल्कुल। और दिनेश सर, इसमें एक चीज और बड़ी है, बीजेपी का कितना भी बड़ा नेता हो, प्रधानमंत्री, वो अपने आप को कार्यकर्ता बोलता है, नो डाउट। लेकिन इनके यहाँ जो एक थोड़ा सा भी बड़ा नेता है वो अपने आप को नेता मानता, कार्यकर्ता नहीं मानता, ये भी देखा गया। नहीं, मैं आपसे वही तो मैंने अभी आपसे जिक्र किया कि इनके यहाँ कार्यकर्ताओं की बड़ी कमी इसलिए है कि इनके यहाँ कार्यकर्ता भी अपने आप को नेता बोलता है। उससे अगर आप दरी बिछाने को कह दो तो वो दूसरी गली से मुड़ के निकल जाएगा, वो दरी नहीं बिछाएगा। पर आपके यहाँ भारतीय जनता पार्टी में हमने देखा है 42 साल की पत्रकारिता में, कुछ भी हो सरकार में आज वो आ रही है, लेकिन हमने पहले भी देखा है विपक्ष में भी उनका रूप हमने देखा है कि बड़े से बड़ा नेता भी अगर मान लीजिए कि कोई कुर्सी में कोई मेहमान आ गया है और उसके लिए कुर्सी नहीं, तो बड़ा सा नेता अगर खड़ा है तो वो भी दौड़ के कुर्सी ला करके, कई बार ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ ऐसा कि बड़े से बड़ा नेता तक दौड़ के कुर्सी ला के उस प्रेस वाले को देता था कि नहीं नहीं बैठिए, उनमें संकोच नहीं होता। ठीक है, इनके यहाँ ये बड़ी कमजोरी। योगेन जी, जिस तरह से जो बातें निकल कर आ रही हैं, संगठन पे बातें निकल कर आ रही हैं, एक निजी तौर पे भी एक प्रवक्ता के द्वारा, नाम नहीं बताऊंगा, वो भी मुझसे यही बोले थे कि सर दिक्कत ये है कि हम कार्यकर्ता तो बहुत मेहनत करते हैं, हम प्रवक्ता भी बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन जो ऊपर बैठे नेता है ना वो कुछ ना कुछ ऐसा बोल जाते हैं या कुछ ना कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। देखिए दीपक जी, कांग्रेस का कोई नेता किसी भी प्रकार का बयान दे, उस बयान को किसी भी प्रकार से दुष्प्रचार किया जा सकता है यदि आपके पास एक बड़ा संगठन है और आप संगठन के माध्यम से उसको प्रभावित करते हैं। लेकिन अगर आपके पास जमीनी संगठन है तो आप किसी भी झूठ को भी बेनकाब कर सकते हैं, ये दोनों ही पहलू सत्य है। कांग्रेस पार्टी के संगठन को लेकर जहां तक प्रश्न है, कांग्रेस पार्टी का जो संगठन है वो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को मानने वाले अनुयायियों का एक संगठन है। भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक परिस्थिति विपरीत है। भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक स्वरूप के पीछे
एक अलग संगठन पूरा कार्य करता है और वो संगठन पूरा उसको अभिनियंत्रित करता है और उसी नियंत्रण का प्रभाव होता है कि वो संगठन सभी संगठनों को समन्वय के साथ चलाने की हर संभव हर स्तर तक प्रयास करता है। और वही कारण होता है कांग्रेस पार्टी का जो संगठन है वो वैचारिक रूप से जुड़े हुए लोगों का एक संगठन है और भारतीय जनता पार्टी के पास जो संगठन है उसके पास एक द्वि पहलू का संगठन है। एक संगठन तो उसका स्वयं काम करता है और निश्चित रूप से उसके अंदर जो प्रतिस्पर्धा है चाहे वो कैलाश विजयवर्गीय जी के शिवराज सिंह जी के रूप में देख लो, चाहे वो प्रतिद्वंदता आप वीडी शर्मा जी के रूप में देख लो, चाहे नरेंद्र सिंह तोमर जी के रूप में देख लो, कई प्रकार की गुड़बाजी भारतीय जनता पार्टी में है जहां राजनीतिक महत्वाकांक्षा है दीपक जी, वहां पर गुड़बाजी संभव है लेकिन गुड़बाजी को समन्वय बनाने में भारतीय जनता पार्टी के संघ के संगठन की बहुत भूमिका होती है। ये उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात, बड़ी उपलब्धि है उनकी, बिल्कुल योगेन जी बिल्कुल जी। सर एक चीज यह भी है कि इस बार आप थोड़ा सा जनता में रोष है जनता बदलाव चाहती है इसके भरोसे ज्यादा रह गए ऐसा लगा। नहीं जनता में रोष था इस बात में कोई संदेह नहीं कि जनता में रोष नहीं था, जनता में विरोध था, जनता परिवर्तन चाहती थी, परिवर्तन का समर्थन थी जनता के अंदर, सब सब कुछ सारी परिस्थितियां थी। लेकिन जो वोट के हार वोट की जय और पराजय के बीच का जो मत अंतर है उसको थामने में लाडली बहना योजना की भूमिका सार्थक रही है, यही एक निष्कर्ष है। आप कह रहे हो गेंद जी सिर्फ लाडली बहना इतना बड़ा खेल नहीं है, थोड़ा सा कब और भी चीजें हैं, ऐसी बात नहीं है योगेंद्र जी। अब हाँ वो तो बात अलग है कि आप ये कहो कि सिर्फ एक योजना काम कर गई, सिर्फ एक योजना नहीं, कहते हैं कि किसी भी चीज को बनाने या बिगाड़ने में एक नहीं कई कारण होते हैं, कई भूमिकाएं होती हैं। सुरेंद्र जी जी आप कुछ कहना चाह रहे सर? देखिए जैसा मैंने कहा इस चुनाव में बीजेपी की लीडरशिप को जनता पहचानती थी जानती थी और कांग्रेस की लीडरशिप भी असली जानती थी, ये लोग टेस्टेड और रिजेक्टेड थे, जनता इनका वास्तविक जानती। दूसरा भाजपा का कार्यकर्ता प्रयत्नों की परिसीमा परिश्रम की पराकाष्ठा करता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने 160 से ज्यादा सभाएं ली, 167 शिवराज जी ने 80 से ज्यादा, सिंधिया जी ने 80 से ज्यादा सभाएं ली, कैलाश जी हों, प्रहलाद पटेल जी हों, नरेंद्र सिंह जी तोमर हों, राकेश सिंह स्वयं चुनाव लड़ रहे थे लेकिन प्रदेश में प्रचार भी कर रहे थे, 50 से अधिक सभाएं वीडी शर्मा जी ने ली, पूरा संगठन का तंत्र हमारा एक्टिव था। इनसे पूछे गोविंद सिंह कहां थे, कमलनाथ ने कितनी सभाएं ली, दिग्विजय सिंह जी कहां थे और मिस्टर बंटाधार दिग्विजय सिंह जी 66 का आंकड़ा आपने दिया कि मैं 66 सीटें जिताकर कांग्रेस को दूंगा, वो 66 सीटें आई, पता नहीं कहां से नंबर उनके साथ चिपक गया। तो दिग्विजय सिंह का जितना प्रयास था उसका दुष्परिणाम उनको भुगतना पड़ा है, इनकी लीडरशिप बिखरी हुई थी, बटी हुई थी। और एक बात बड़ी जोरदार, अभी मैं जैसे चैनल पे आया मैंने देखा कमलनाथ जी शिवराज जी से मिलने गए, अच्छी परंपरा, वर्तमान मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री मिलने जाना चाहिए, शिवराज जी पहले सीएम बने थे अभी 3.5 साल पहले, तब दिग्विजय सिंह जी भी गए थे, लेकिन एक विशेष बात है आज कमलनाथ जी भी गए तो अपने बेटे को लेकर गए, दिग्विजय सिंह जी गए तो भी अपने बेटे को लेकर गए थे, इन दोनों नेताओं ने अपने बेटे को सेट करने के लिए कांग्रेस को अपसेट कर दिया प्रदेश में, इसको स्वीकार करना चाहिए कांग्रेस लीडरशिप को। दूसरी बात ये सत्ता से चिपके रहना, कुर्सी से चिपके रहना, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार 2018 में नहीं बनी, शिवराज जी नेता प्रतिपक्ष नहीं बने, नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव जी, राकेश जी का टर्म पूरा हुआ, प्रदेश अध्यक्ष बने पीडी शर्मा जी, पर मुख्यमंत्री भी कमलनाथ रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष भी कमलनाथ रहेंगे, नेता प्रतिपक्ष भी कमलनाथ रहेंगे। ये कुर्सी से चिपके रहने का इनका जो मोह है ना, कमलनाथ जी घूम नहीं सकते, प्रवास नहीं कर सकते, लोग दिशा नहीं दे सकते। हम हमेशा भाजपा में कहते हैं कि जब नेता घड़ी के कांटे की तरह होता है, सेकंड का कांटा 60 बार घूमता है तो मिनट का कांटा 1 बार घूमता है, मिनट का कांटा 60 बार घूमता है तो घंटे का 1 बार घूमता है, कितने प्रवास नेता करेगा उसके आधार पर कार्यकर्ता का मोबिलाइजेशन होगा। मोदी जी ने यहाँ कितनी सभाएं की, अमित शाह जी ने कितनी सभाएं की, कितनी बैठकें ली, कांग्रेस की लीडरशिप उस प्रकार से अपने कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करने में सफल नहीं हुई। दूसरा बात इनकी गारंटी की कोई गारंटी नहीं थी और यहाँ गारंटी की भी गारंटी, इसके आधार पर जनता ने हमको चुना है। ठीक एक सर लास्ट कॉमेंट सर मैं आपसे चाहूंगा, दिनेश सर जिस तरह से देखा जाए मुख्यमंत्री का चेहरा कौन हो सकता है कम शब्दों में सर? मध्य प्रदेश में हाँ जहाँ तक मेरा अपना अनुभव है शिवराज जी ही इसके विकल्प के रूप में, विकल्प के रूप में नहीं, शिवराज जी के अलावा मुझे तो नहीं लगता कि कोई उनका विकल्प है, क्योंकि जो जीत का श्रेय है या जिस तरह से उन्होंने सभाएं या जिस तरह से जनमानस का उन्होंने समर्थन जुटा पाया है तो हाई कमांड जो है ये उनको निगलेक्ट करके और मई में नुकसान नहीं चाहेगी, वो चाहेगी कि जो है शिवराज जी रहे ताकि किसी प्रकार का आपस में मनमुटाव नहीं हो और हमें इसी तरह की सफलता मई 24 में भी तो चाहिए ना उनको, है ना, तो मेरा मानना तो यही है।
ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, दिनेश जी आपका, सुरेंद्र जी आपका, योगेश जी आपका और दिनेश सर आपका, तीनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस परिचर्चा में जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से देखा जाए कहीं ना कहीं मंथन चल रहा है, लाली बहना योजना का भरपूर बताया जा रहा है कि फायदा पहुंचा है बीजेपी को, लेकिन इसके पीछे कई और वजह हो सकती है। हालांकि बीजेपी से संगठन की ताकत बता रहा है, कार्यकर्ताओं की मेहनत बता रहा है, वो बात अलग है, लेकिन चूंकि सेहरा बीजेपी के सर ही बंधा है तो जाहिर सी बात है उनकी सभी बातें सत्य हो जाती हैं। लेकिन कांग्रेस को अब इन 5 साल में क्या भूमिका निभानी और कैसे मंथन करना है वे देखने वाली बात होगी। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।